बच्चों आइए आज हम लोग सूरदास का पद आगे देख रहे हैं। इसका तीसरा खंड जो है अर्थात ये तीसरा वीडियो आज बनने जा रहा है सूरदास के पद पर कक्षा 10 के हिंदी का। इसमें जो पाठ या जो पद आप पढ़ने जा रहे हैं इसमें श्री कृष्ण का बाल हठ का वर्णन इसमें सूरदास ने किया है। एक बालक, छोटा सा बालक जब बालक रहता है तो बहुत हठ करता है, जिद करता है किसी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए। आज वही बाल हट इस पद में श्री कृष्ण का दिखाई पड़ रहा है, अपनी माता यशोदा से कर रहे हैं वो हठ। काहे का हठ? गाय चराने के लिए जाने देने का हठ कर रहे हैं कि मैं गाय अब चराऊँगा। आइए, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रात हो तो बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गाय इनके भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई रेंद रहूं गो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं मैं घर बैठे रही हूँ, असुर श्याम तुम सोई रहा अब प्रात जान मैं गई हूँ। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हठ करते हुए कह रहे हैं कि माँ मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सभी गायों को अब खुद चराने जाऊँगा। देखिए आज इनकी इच्छा हो रही गाय चराने की, तो अभी छोटे बहुत हैं लेकिन आज जिद है। कहते हैं अपनी माँ से कि माँ मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊँगा। फिर प्रात होत बल के संग जई हूँ, प्रात होते ही मतलब ये किस समय हट कर रहे हैं? शाम के समय की बात है, शाम हो गई है। अपनी माता से एक जिद करते हुए कहते हैं कि माँ मैं अपनी गाय सब चराने जाऊँगा, और प्रात होत सुबह होते ही बल के संग जई हूँ। बल है माने है बलदाऊ जी, बलराम जी, बलराम जी के लिए आया है बल शब्द। मैं बलराम जी के साथ सुबह होते ही जाऊँगा, तेरे कहे न रही हूँ, तेरे कहने से भी अब मैं नहीं मानूंगा। न रही हूँ माने नहीं मानूंगा, तेरे कहे न रही हूँ, सुबह होते ही बलराम जी के साथ मैं गाय चराने जाऊंगा, माँ तेरे कहने से भी अब मैं नहीं मानूंगा। फिर ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत, कहते क्या है अपनी माता यशोदा से कि माँ ग्वाल बाल और गायों के भीतर माने बीच में ग्वाल बाल रहते हैं वहाँ गाय रहती हैं, इनके बीच में नहीं कहूँ माने तनिक भी डर नहीं लागत, नहीं लगता है। वहाँ जंगल में गाय चराने जाने में वहाँ ग्वाल बाल बहुत से रहते हैं, गायें बहुत सी रहती हैं, उनके बीच में रहने से तनिक भी किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता है। और आज न सो नंद दुहाई रैन रहूं गो जागत, अब उनकी जिद जो है, उनका हठ जो है वो प्रबल रूप धारण करता जा रहा है। कहते हैं कि आज न सो, आज रात भर मैं नहीं सोऊंगा, नंद दुहाई, नंद बाबा की दुहाई देता हूँ। एक तरह से कह लो कि नंद बाबा की मैं शपथ लेकर के कहता हूँ कि आज रात के नहीं सोऊंगा, रैन रहूंगा जागत, सारी रैन माने रात मैं जागता ही रहूँगा, नहीं सोऊंगा, क्योंकि कल सुबह मुझको गाय चराने जाना है। और ग्वाल सब गाय चराई हैं मैं घर बैठे रही हूँ, ये कहाँ हो सकता है बड़ा? और ग्वाल बाल जितने हैं वो सब गाय चराने जाएंगे और मैं घर में बैठा रहूँ, भला ऐसे कहाँ हो सकता है? सब ग्वाल बाल गाय चराने जा रहे हैं, मैं भी गाय चराने जाऊँगा, मैं घर में बैठा अब नहीं रह सकता हूँ माँ, मैं भी सुबह कल गाय चराने बलराम जी के साथ जाऊँगा। सूर श्याम तुम सोई रहा हो प्रात जान मैं दई हैं, यह सुन करके यशोदा माता अपने लाल श्री कृष्ण को समझाती हुई हैं, कहती हुई कहती हैं, सूरदास जी बता रहे हैं, सूरदास जी बता रहे हैं कि यशोदा कहती हैं कि श्याम तुम सोए रहा हो, अब श्याम श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण या आय श्याम अब तुम सो जाओ। कौन कहती है? यशोदा कहती हैं। किससे? अपने पुत्र श्री कृष्ण से। कौन बता रहे हैं? सूरदास जी बता रहे हैं कि यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण से कहती हैं कि अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दई हूँ, सुबह मैं तुमको गाय चराने जाने दूंगी,
अर्थात तुमको पूरी अनुमति मिल जाएगी, सुबह तुम गाय चराने जा सकोगे। अभी तो सो जाओ, रात में मत जागो, रात में सो, सुबह होते ही मैं तुमको गाय चराने भेज दूंगी। बच्चों, ये बालहट हुआ करता है, स्वाभाविक हुआ करता है, हर बालक अपनी माँ से कुछ ना कुछ हट किया करता है। तो इसमें काव्य सौंदर्य में भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है, रस जो है वही वात्सल रस है, छलक रहा है पूरे पद में वात्सल रस। छंद जो है गेय पद है, अलंकार इसमें जो है अनुप्रास अलंकार तो मिल ही रहा है, साथ में ये अभिधा और लक्षणा, बीच बीच में शब्द शक्ति भी दिखाई पड़ रही है, मुक्तक शैली है। और ये पद जो है इसमें वात्सल्य वर्णन जो है, सूरदास का वात्सल्य वर्णन अपने चरम पर दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद आगे आइए, क्या है, मैया हों न चरई हों गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसे, मेरे पाए पिराए जो न पतिया है, पूछ बल दावे अपनी सौ देवाए, आसुनी माए यशोदा ग्वालिन गारी दे तरिसाए, मैं पठवत अपने लड़िका को आवे मन बहराए, असुर श्याम में रोग अति बालक मारत ताहिरिंगाए, मैया हों न चरई हों गाय। अच्छा भाई, अब ये थोड़ा कहानी आगे बढ़ गई है गाय चराने वाली। आज शाम के हठ कर रहे हैं, सुबह होते ही माता यशोदा श्री कृष्ण को गाय चराने भेज देती हैं। शाम के गाय चरा करके जब वापस आते हैं अपने घर में गायों को लेकर के, थक जाते हैं श्री कृष्ण, तो अपनी माँ से शिकायत करते हैं, एक कंप्लेन FIR हो रही है श्री कृष्ण की अपने माता यशोदा के पास। गाय चरा करके वापस आने के बाद एक सूचना दे रहे हैं, FIR दर्ज करवा रहे हैं, क्या क्या उनके साथ हुआ आज जंगल में, गायों के साथ में ग्वाल बालों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, इसका वर्णन इस पद में दिया गया। कहते हैं, मैया अय माता हाँ माने मैं। बच्चों, ब्रज भाषा में मैं को हाँ बोला जाता है, हाँ मैया हाँ, मैया अय माँ हाँ माने मैं, न चराई हूँ गाय, अब मैं गाय नहीं चराऊंगा। क्यों भाई, एक ही दिन में ये थक गए, एक ही दिन में इनकी रुचि समाप्त हो गई। कारण क्या है, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे माने सारे संपूर्ण जितने भी ग्वाल बाल हैं वो क्या करते, घिरावत मोसो, मोसो माने मुझसे जानवरों को घिराते हैं, हकवाते हैं, मेरे पाँव पिराए, मेरे पैर जो हैं वो पिराए माने दर्द कर रहे हैं, दौड़ते दौड़ते गायों को घेरते घेरते हाँकते हाँकते दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दर्द करने लगे हैं, सारे ग्वाल बाल जो है मुझसे गायों को घिराते हैं माँ। और जो न पतियाए, जो यदि तुमको पतियाए माने विश्वास अगर ना हो, अगर तुमको विश्वास ना हो मेरी बात का कि मैं झूठ बोल तो नहीं रहा हूँ, तो पूछ बल दावी, तो बलराम जी से तुम पूछ लो, बलराम जी भी रह जाते हैं साथ में, ये जानते हैं लोग मुझे परेशान करते हैं, मुझसे जानवर गिराते हैं, अगर तुमको विश्वास ना हो तो बलराम जी से पूछ लो, मगर अपनी सौंह दिवाए, अपनी सौंह माने कसम दिला करके पूछना उनसे, हो सकता है वो भी झूठ बोल जाएं, तो तुम अपनी सौंह माने कसम बलराम जी को दिला देना, तब उनसे पूछना मेरी जो मैं शिकायत कर रहा हूँ समस्या, ये सही है कि नहीं है, कसम दिला करके पूछना। यह सुनी माए यशोदा, यह सुन करके माता यशोदा जो है बहुत क्रोध में आ जाती है। या सुन माँ यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए, ग्वाल बालों को रिसाए माने नाराज होकर के गाली देने लगती हैं, अर्थात भला बुरा कहने लगती हैं माता यशोदा अपने पुत्र के इस समस्या को, इस परेशानी को सुन करके कि हमारे पुत्र को, मेरे पुत्र को सभी ग्वाल बालों ने जंगल में बहुत परेशान किया है, जानवर घिरवाया है। ये सुन करके माता यशोदा जो है अपने पुत्र श्री कृष्ण की समस्या को देखते हुए ग्वाल बालों को भला बुरा कहने लगती हैं। मैं पठोत अपने लड़िका को आवे मन बहराए, कहती है कि मैं अपने लड़िका को, अपने लड़के को, अपने पुत्र को इसलिए जंगल भेजती हूँ कि ये जा करके अपना मन बहलाए, जा करके इसका थोड़ा मनोरंजन हो जाए, ये अपना मन बहलाए जा करके इसीलिए मैं भेजती हूँ। और सूर श्याम में रोगवती बालक मारत ताहिर गाय, सूरदास जी बता रहे हैं कि यशोदा कहती हैं कि मेरे श्री कृष्ण अति बालक हैं, बहुत छोटे अभी बालक हैं, मारत ताहिर रिंगाए,
जितने भी ग्वाल बाल हैं उनको सब रिंगा करके, दौड़ा करके, चला करके सारा दिन वहाँ जंगल में मारते हैं, परेशान करते हैं, थक उनको थका देते हैं। तो यशोदा जी इन्हीं सब बातों को सुन करके ग्वाल बालों को अपशब्द कहने लगती हैं, उनको भला बुरा कहने लगती हैं कि मेरा बालक श्री कृष्ण बहुत छोटा है, सभी लोग उनको दौड़ा करके या चला करके परेशान करते हैं। बच्चों आज यहीं तक, अब काव्य सौंदर्य में सब कुछ वही है, आप लोग लिख डालिएगा, फिर आगे हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे।